वन्य जीवों के शिकार और उनके अंगों की तस्करी की बढ़ती घटनाओं पर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है। इस मामले पर दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने विशेषज्ञों के साथ मीटिंग की। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडे। वाइल्ड लाइफ तस्करी को लेकर केंद्र भी चिंतित है। केवल सीमा सशस्त्र बल ने जहां 2015 में 2 करोड़ की रिकवरी की थी वाइल्ड लाइफ तस्करी के सामान की, वहीं अब वो रिकवरी जो है 277 करोड़ हो गई है और ये सिर्फ एसएसबी के द्वारा है। तो एक तरीके से वाइल्ड लाइफ तस्करी जो है वो बढ़ रही है और इसको लेके काफ़ी एनजीओस भी चिंतित हैं। खास सरकार इस पर ध्यान दे रही है, लेकिन क्या इसको रोक पाएगी? क्योंकि जहाँ एक तरफ बॉर्डर्स पे चौकसी बढ़ाने की बात है और वहाँ तस्करी, जैसे ये सारे जैसे आपको दृश्य हैं यहाँ पर, ये सब वाइल्ड लाइफ स्मगलर्स हैं, चाहे वो सांप हो या चिपकलियाँ हो या बाघ की जो खाल होती है, इनके अलावा भी काफ़ी और सामग्री जो है वाइल्ड लाइफ की सामग्री जो है उसकी तस्करी की जा रही है और ये सिर्फ वो केसेस हैं जो सामने आए हैं। डिटेल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके इस साझा प्रयास से आने वाले समय के अंदर पर्यावरण में, विशेषकर जंगलों की रक्षा करने के लिए, वन के अंदर रहने वाले जो पशु हैं उनकी रक्षा करने के लिए, ये दोनों डिपार्टमेंट्स मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाने में सफल होंगे जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के न्यू इंडिया के सपने के अनुकूल होगा। एक और चिंता की बात यह है कि काफ़ी जो व्यापार जो है ऑनलाइन हो गया है, यानी इंटरनेट के ज़रिए उसके माध्यम से ये सब किया जा रहा है और इसकी जो है खरीद फरोख भी जो है ऑनलाइन हो गई है। 106 ऐसे वेबसाइट्स हैं एनजीओ के मुताबिक जहां पर इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स जो हैं उसका सेल हो रहा है। तो जहां एक तरफ काफ़ी जो है डेवलपमेंट्स हुई हैं, लोग पोचर्स वगैरह पकड़े गए हैं जो बॉर्डर पे, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट पे इसका जो अवैध जो पूरा ट्रैफिकिंग का जो पूरा सिलसिला चल रहा है वो वाकई एक चिंता का विषय है। केंद्र ने कहा है कि वो इस पे एक स्पेशल जो मीटिंग कर रही है, उसके बाद जो भी रिकमेंडेशंस होंगे उसको लेके वो इन सबको इम्प्लीमेंट करेगा। लेकिन चुनौती जो है, बड़ी चुनौती जो है, खास तौर से इंटरनेट के जरिए जो वाइल्ड लाइफ क्राइम है उसको लेके केंद्र खास चिंतित है। नई दिल्ली में सिद्धार्थ पांडे, गो न्यूज़।